तुमने बोला कि अक्टूबर नवंबर में तुम्हारे 60 मार्क्स के अराउंड आए, और फिर जब फर्स्ट मेंस हुआ उसमें 170 मार्क्स आए, 180 मार्क्स आए, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें 245 मार्क्स आए। यस सर। ये मतलब किया कैसे? ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात मेरे को लग रही है कि एक बच्चा 2 साल तैयारी करता है तब उसके बाद उसके 60 मार्क्स आते हैं। तुमने उसे पहले बोला कि तुमने टेस्ट भी नहीं दिए थे, उस टेस्ट नहीं देने का रीज़न क्या था? कि क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं था, या तुम्हें लगता था कि यो फैसिलिटी नहीं थी, क्या था मतलब रीज़न क्या था? सर नहीं, मैं टेस्ट देता था, मैंने जो कोचिंग में टेस्ट देता था पर वही ऑनलाइन था तो कुछ पढ़ते नहीं थे, और साइड में ऑनलाइन टेस्ट होते थे, साइड में बुक्स खुली होती थी, मतलब कि ऐसा लगता था ये तो मेरे को आता है। अच्छा। पर वो अभी याद नहीं है, तो टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो कम रहेगा, तो फिर बुक में से खोल के देख लिया एक बार, अच्छा ये फॉर्मूला भूल गया, बुक में से टेंजेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी याद नहीं था तो वो भी खोल के देख लिया, नॉर्मल का फॉर्मूला खोल के देख लिया, तो इसकी वजह से था कि टेस्ट में जुडिशली टेस्ट नहीं देता था, कैसे चीटिंग करके टेस्ट दे दिया कभी भी। हाँ। इसलिए कोई ऐसे बेसिकली टेस्ट नहीं होता, मैंने लास्ट में ही टेस्ट दिया था, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे नहीं था, मतलब मेरे को ऐसे डर नहीं लगता था कि मेरी रैंक कम आएगी या फिर कुछ भी। हाँ। तो वो रीज़न नहीं था, यही था कि मैं चीटिंग करने जाता कभी भी तो वो नहीं लगता था कोई टेस्ट अकॉर्डिंगली है। अच्छा, तो जब तुम्हारे जैसे पहले मेंस में तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव हुआ होगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आया होगा ना कि अगले मेंस में मैं और अच्छा करूंगा। yes. दोनों मेंस में तुम्हारा परसेंटाइल दूसरे मेंस में ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, तो उस टाइम पे तुम्हें कुछ ऐसा रिलैक्सेशन फील हुआ था कि चलो सिलेक्शन तो अब हो ही जाएगा? सर नहीं, मेंस मेरा टारगेट कभी था ही नहीं। ओके okay. मतलब मैंने कभी मेंस के लिए पढ़ा भी नहीं, कुछ चैप्टर्स होते हैं सेमी कंडक्टर्स जैसे हो गया, मैथ्स में भी कुछ चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, वो मेंस के लिए पढ़ते, मैं पढ़ के नहीं गया था वो। अच्छा, मतलब मेरा कभी टारगेट नहीं था कि मेंस देना है, पापा का भी ऐसे था कि एडवांस फोकस करना है, हम तो आईआईटी जाएंगे, तो दैट वॉज इट। मेंस से मेरे को फर्क भी नहीं पड़ा था कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मैं मॉक टेस्ट देता ऐसे मॉक टेस्ट की तरह मैंने एग्जाम दे दिया था कि बस है ये, इसमें पास तो ये मेरे 2 लाख रैंक पा लिया है तो मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई करूँगा ही करूँगा, तो ऐसे टेस्ट देता मेरे को फर्क नहीं पड़ा था मेरी कितनी परसेंट आ रही है। अच्छा,